तो हम करने वाले हैं 3 स्पॉट कवर आज। पहले तो हम जाएंगे यहाँ पे ना, सनसेट के टाइम ही आना चाहिए। पूरा पानी दिख रहा है, पूरा पानी पूरा अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, बेस्ट स्पॉट। तो ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर बनाया था शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज ने। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, कल आपने देखा था हम गए थे सिकेरीम, फिर अगवात और बागा बीच में। तो अभी हम जा रहे हैं हमारी फेवरेट प्लेस पे, मतलब मेरी फेवरेट प्लेस पे, दीवार आइलैंड। तो श्रीश ने वो नई प्लेस नहीं दिखी थी, तो वो उसको दिखाने जा रहे हैं अभी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10, तो चलते हैं। और चलो गाइस, चलते हैं दीवाड़े, क्योंकि वो प्लेस मैंने अभी तक नहीं देखी है, तो उस प्लेस को पहले देख के आता हूँ। सुबह सुबह एंड माय शूज आर वेरी डर्टी, एंड उसको ये लग गया ना, रेत लग गई उसको, रेत फोन नहीं लिया मैंने, फर्स्ट टाइम आज फोन नहीं लिया। नहीं, फोन नहीं चाहिए मुझे। जब तो हम करने वाले हैं 3 स्पॉट कवर आज। पहले तो हम जाएंगे उस वॉकिंग ट्रैक पे, उसके बाद जाएंगे कोटी तीर्थ स्थल पे, और थर्ड स्पॉट हटकेश्वर महाराज के मंदिर में, मतलब महादेव के मंदिर में। और जो वो तीर्थ कोटि स्थल है ना, वो ना 500 साल पुरानी है, वो एक तालाब है, वो आपको मैं दिखाता हूँ अभी। तो चलते हैं। टाइम पे फेरी मिलना इज लाइक अ लक, और हम लकी है। तो गाइस, टाइम पे फेरी मिल गई, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ से रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ से रेलवे जाती है, और दीवाड़े उस तरफ है, तो वो है दीवाड़े आइलैंड। वो अभी हमें वहाँ पे जाना है, और अभी फ्रेश बोल दिया श्रीश ने, और बहुत बोल दिया, उसको पता भी नहीं चला। दीवार आइलैंड अभी पहुंच ही गए गाइस, चलो। पहुंच गए यहाँ पे। तो जब वीडियो में देखा था तो ये प्लेस थोड़ी मुझे बड़ी लग रही थी, लेकिन अभी जाके देखा तो मुझे थोड़ा सा ये छोटा लगा, थोड़ी एरिया छोटी लगी। आप देख सकते हो, यहाँ से सिर्फ वहाँ तक है। पहले यहाँ पे खेत था तो अच्छा पहले यहाँ पे खेत था तो अच्छा दिख रहा था, पर अभी वो कट गया ना, इसीलिए तुमको अच्छा नहीं लग रहा होगा। पर यहाँ पे सभी जगह ग्रीन था और बहुत सुंदर था। और यहाँ पे ना सनसेट के टाइम ही आना चाहिए, वो अभी धूप है बहुत। तो ये धूप में श्रेयस बोला, चलो तुम धूप में आओ, तेरे को काला बनाता हूँ। मुझे सब काला बोलते हैं बाद में। यहाँ पे ना हमने बहुत सारे 3-4 रील बना दिए, और मैं बहुत थक भी गया। वो श्रीश ऐसा रील भयानक रील बनाता है, भागने का काम करता है और मुझे थका देता है। अभी गाइस, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है तीर्थकोटि स्थल, तो अभी जा रहे हैं उधर, और मैप भी डाला है इधर, देखो अगर आपको दिखता है तो, हाँ इधर। और हम रास्ता खो रहे हैं बार। मैं खो रहा हूँ। गाइस, हम पहुँच गए हैं तीर्थकोटि स्थल, जहाँ पे मैं बहुत दिनों से आना चाहता था, लेकिन इधर आने का मुझे चांस नहीं मिला कभी, मौका नहीं मिला कभी। और तो इसलिए मैं श्रेयस से बोल के आज यहाँ पे आ गया। तो देखो गाइस, ये कितनी ब्यूटीफुल स्पॉट है, और ये स्पॉट ना सप्तकोटेश्वर महाराज का जो मंदिर है नॉर्वे में, उससे कुछ कनेक्ट करता है ये लेक, पता नहीं। पर हाँ, इधर जो मैंने मैप पे डाला ना सप्तकोटेश्वर, तो इधर का भी आता है।
तो पता नहीं कैसे कनेक्ट करता है, वो आप कमेंट में बताओ हमको। और गाइस अगर आपको ना इस प्लेस की इंफॉर्मेशन चाहिए ना तो ये एक बार रीड कर लो, पॉज करो और ये रीड करो। और यहाँ पे भी अभी थोड़े हमने रील बना दिए इस प्लेस पे, तो वो भी आप हमारे इंस्टाग्राम पे देख लेना। और मेरी आवाज़ से आपको पता भी चल गया होगा कि मैं हाफ रहा हूँ क्योंकि श्रीश ने बहुत भगा दिया मुझे आज। तो अभी चलते हैं, हमारा तीसरा स्पॉट है हटकेश्वर महाराज के मंदिर में, लेट्स गो। कहाँ पे है वो जगह? सही है, चलो वहाँ पे चलते हैं। A few minutes later. मुझे पता था श्रीश कंफ्यूज होगा, पर श्रीश मंदिर कहाँ है? श्रीश मंदिर यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे पानी ही पानी है। वो क्या है वो देख, कहाँ पे वो देख। मैं भी फर्स्ट टाइम आया था तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, तो अभी हमको मंदिर मिल गया तो अभी चलो दर्शन भी लेते हैं। तो चप्पल यहाँ पे निकालना होगा हमको, क्यों नहीं आ रहा है श्रीश? ऊपर ऊपर चलो, ऊपर चल। कैसा लगा तुमको इधर आके? यार क्या ही स्पॉट है, एकदम डिफरेंट लोकेशन वगैरह, ब्यूटीफुल प्लेस। पूरा पानी दिख रहा है, पूरा पानी, पूरा अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, बेस्ट स्पॉट अब तक का, बेस्ट स्पॉट अब तक का, बेस्ट स्पॉट। और यहाँ सावली भी है। तो गाइस हमको फाइनली हटकेश्वर महाराज के भी दर्शन हो चुके हैं। और श्रीश कैसा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइस यहाँ पे तो अभी थोड़ी देर बैठते हैं हम दोनों, क्योंकि हम दोनों अभी रील बना बना के थक चुके हैं। और श्रीश तुमको कुछ? मैं नहीं थका, मैं नहीं थका, श्रेया जी थका है। क्या? मैं कभी नहीं थकता, यही थकता है। A few minutes later. तो अभी चलते हैं गाइस यहाँ से, और दर्शन भी अच्छे हो गए। दीवार आइलैंड ना गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, और अगर आप वो एक्सप्लोर करने जाओ ना तो आपको बहुत ही टाइम लग सकता है, और बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल और हिडन प्लेसेस है उधर। तो अगर एक पूरा दिन चाहिए उसको, तो अगर कभी चांस मिले और टाइम मिले ना तो पूरा एक दिन दीवार आइलैंड हम एक्सप्लोर करेंगे। तब इसके लिए आपको हमारे 2K सब्सक्राइबर करने होंगे और हमको पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। तो अगर हो सकता है तो कर दो, और लेट्स गो अभी। पहुँच गए रुद्रेश्वर महाराज के टेंपल के पास। वो एक्चुअली टेंपल भी नहीं बोल सकते क्योंकि आप देखो क्या है एक्चुअली वो जगह। यहाँ पे ना जब घोड़ेमरनी होती है तो उसके पहले दिन, घोड़ेमरनी के पहले दिन यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कुछ रिचुअल्स होते हैं। तो अगर इस साल मौका मिले ना तो मैं भी आऊँगा यहाँ पे, क्योंकि शायद से श्रीश या कोई तो हमारे घर का होगा, वो घोड़ेमरनी का एक पार्ट होगा। जो 4 चौगुले होते हैं उसमें से 4 लोगों को वो घोड़ेमरनी में पार्ट लेने को मिलता है। तो इस साल शायद श्रीश लेगा, तो यहाँ पे मैं और श्रीश के साथ आऊँगा। तो यस, मैं जो घोड़े मरनी के बारे में बोल रहा था ना, तो यहाँ पे शायद वो पूजा रिचुअल्स होती होगी। तो मैं कभी नहीं आया लाइफ में, पर इस साल ज़रूर आऊँगा। और ये देखो यहाँ पे कितना बहुत पुराना एक लिंग है, और उधर एक केव है, तो वहाँ पे भी जाएंगे। तो पहले यहाँ पे दर्शन देंगे।
तो ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर बनाया था शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज ने, तो मुझे भी इतना मालूम नहीं डीपली, लेकिन जो भी हिस्ट्री वगैरह रहेगी तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, आप जाके पढ़िए कि क्या है एक्चुअल इतिहास इस टेंपल का। और यहाँ पे एक केव है, पर वो ना अभी पूरी झाड़ियों से भर चुकी है, और वहाँ पे जाना अभी खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सांप हो सकते हैं, जहरीले, तो हम तो भाई अवॉइड कर रहे हैं। मैं ना अभी घर जाके चंद्रमुखी 2 देखूँगा, और श्री शर्मा जाएंगे मापसा में। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सबके साथ करो, और इस व्लॉग को वायरल बना दो। हम चलते हैं अभी घर, टिल देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, चलो बाय बाय। तो गैस यहाँ पे अभी थोड़ी देर बैठते हैं, क्योंकि ऐसा जल्दी जल्दी घर जाने का अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए।